नाजिम जोखियो कत्ल केस, पांच मुलजिमान उबूरी जमानत मंसूख होने पर मलीर कोर्ट से फरार, पुलिस भागने वाले मुलजिमान को पकड़ने में नाकाम हो गई। सानह मरी की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एनडीएमए हुकाम को 11 बजे तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अतहर मेनुल्ला ने रिमार्क दिए, सयाह हर साल इसी तरह मरी जाते हैं, एनडीएमए इतनी बड़ी बॉडी है, क्या कभी कोई इजलास हुआ? इस हवाले से तो बाकायदा मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए था, कमीशन का इजलास क्यों नहीं हुआ? कराची ओमिक्रोन के शिकंजे में, मुस्बत केसेस की शरह 20.45% रिपोर्ट, 1433 केसेस का ताल्लुक कराची से है, मुल्क में शरह 6% से जायद हो गई, 3019 अफराद में वायरस की तस्दीक, एक दिन में मजीद 5 मरीज इंतकाल कर गए, अमवात 28,992 हो गई। स्कूल्स की बंदिश के हवाले से होने वाला इजलास अगले हफ्ते तक मुलतवी। हुकूमत मिनी बजट मंजूर करवाने के लिए सरगर्म, कौमी असेंबली इजलास से कबल वजीर आजम ने पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया, फाइनेंस बिल की मंजूरी, अपोजिशन के मुमकिन एहतजाज और हुकूमती हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को 2 बजे पार्लियामेंट हाउस पहुंचने की हिदायत, वजीर आजम इमरान खान खुद भी पार्लियामेंट हाउस पहुंचेंगे। अंधेर नगरी चौपट राज, कराची में डाकू बेलगाम, कश्मीर रोड पर डकैती के दौरान नौजवान मां और बहन के सामने कत्ल, शाहरुख की 2 रोज पहले शादी हुई थी, मुकदमा मकतूल के भाई की मुदाइयत में दर्ज, मैयत सर्द खाने से घर मुंतकिल, नमाज जनाजा बाद नमाज जोहर अदा की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।